आज तो होगा पतियों का पीठ पूजा, इसी इसी से ऐसे ही कितनी माता बहनें आज पीठ पूजा करेंगी अपने पतियों का। ऐसे नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने रेनू की लाइफ में। तो आप लोग कैसे हैं, क्या हाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप सभी लोग को हैप्पी तीज। जितनी मेरी माता बहना देख रही हैं, जितने मेरे छोटे माता बहन, बड़ी माता बहन, यानी हमसे बड़ी भी होंगी छोटी भी होंगी, सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग सदा सुहागन रहे, महादेव से यही विनती है। जैसे पार्वती का सुहाग बना है पार्वती जी का, वैसे हम लोग भी सदा सुहागन रहे। जब तक जिए तब तक सदा सुहागन ही रहे, और मरे तो मांग में सिंदूर पतियों का भर के ही मरे, ऐसा हमारा सोच है और हमारा ऐसा विचार है। तो आज कितने लोग उपवास हैं तीज का, हम तो उपवास हैं, देख सकते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी तो मैं दोपहर का वीडियो बना रही हूँ, पूजा पाठ शाम को होगा, उसका वीडियो अलग जाएगा। और ये मेहंदी मैं अपने हाथ से लगाऊंगी, कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे करने पर हथवा ऐसे जाता है, इधर पीछे का आगे से लग जाता है, और आगे कुछ नहीं, क्योंकि रात को मुझे मेहंदी लगाते समय लगभग 1 से 1.5 बज गया था। जब मेरी बच्ची सो गई 11:30 बजे, तब मैं मेहंदी लगाना शुरू की। उसके बाद मेहंदी लगाई, तब जाके मेहंदी लगाई जो उसका शॉर्ट वीडियो बनाई, आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, जाइए देखिए। कब देखोगे हमारा वीडियो, कब हम लोग को प्यार दुलार दोगे? आप लोग भर भर के प्यार दुलार दीजिए, हे महादेव, कब हमारा कल्याण होगा, कब हम आगे निकलेंगे, कब हमारा ललसा मनसा पूरा होगा, तो पूरा कर दीजिए महादेव। और हाँ बहनों, मैं ये बेलना दिखाई पतियों को मारने वाली बात की, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा मस्ती कर ली कि आज पतियों का पैर पूजा होगा, आज उनका चरण धोया जाएगा, आज उनके चरण का पानी हम तो नहीं पीते हैं, कहने मतलब कि हम नीरा जल उपवास रहते हैं। हम कहीं शनिवार को जाके सुबह वो जरई घोटा जाता है ना, चना और मूंग की दाल घोटने के बाद तब जाके हम कहीं पानी पियेंगे, हम पूरा नीरा जल रहते हैं। कितनी माता बहनों तरई देख के पानी पी लेती हैं। तो आज पति लोग का पूजा होगा, आरती उतरेगी, हम तो बेलना से उतारेंगे, हमारी चाची लोग भी बेलना से उतार देंगी। निशा चाची, पतियों को बेलना से मारना है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं मस्ती कर रही हूँ। और मैं देखिए उपवास थी, मुझे कोई भी अभी फर्क नहीं पड़ा है, शाम का 3 बज गया है। मैं छोला पूरी चावल बनाई अपने पति के लिए, मैं बोली जब पति देव को पूजूंगी और पति देव को उपवास भी हूँ, पति ही देव अकेले खाने वाले थे, तो मैंने छोला पूरी चावल बनाया। मेरे पति बोल रहे थे अरे तो चावल सब्जी बना देती, इतना भूखने में क्या ज़रूरी था मेहनत करना। लेकिन मैं सोची अपने दिमाग से कि उनके ही लिए उपवास हो, तो उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बना के खिला दूँ। तो खाना पीना बनाई, कपड़ा धोई, नहाई, क्योंकि मैं जल्दी नहा ली हूँ, मुझे पूजा नहीं करना है, मैं पूजा नहीं करूँगी दोस्तों, मैं बस खड़ी बरती रहूँगी, जैसे कि पहनूँगी ओढ़ूँगी खड़े बरती रहूँगी, पूजा पाठ नहीं करूँगी। इसके वजह से मैं जल्दी नहा धो ली हूँ, और इस वाले साड़ी पर मैं वीडियो बनाई शॉर्ट आप लोग के लिए, आप लोग जाइए देखिए। और रेड कलर की साड़ी जाएगी जो, वो मैं तीज की तैयार होकर पहनूँगी, जो कि रेड कलर की मेरी साड़ी है, चुंदरी टाइप है कुछ ऐसे करके, वो साड़ी पहनूंगी जब, तो समझना कि तीज की पूरी में श्रृंगार कर ली, आज से रोह श्रृंगार हुई, पतियों का प्यार हुई। मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना दोस्तों, मैं सीखने वाली थी, सीखी भी लगभग 1 से 15 दिन, 1 महीना या 15 दिन सीखी होंगी, तब तक मेरी विदाई के समय आ गई, मैं ससुराल चली गई, इसलिए मैं पूरा सीख नहीं पाई। गर्मी बहुत हो रही है, आज धूप है, आज सुबह से बारिश नहीं हुआ,
आज धूप है, आज ठंडा मौसम रखना चाहिए भगवान को, तो आज धूप रखते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन पूजा करेगा, कौन कौन उपवास है, कौन कौन नहीं उपवास है। और बाकी आप लोग प्लीज़ प्यार दुला दिया करो, सपोर्ट किया करो भाई बहन। हम यही आप लोग से विनती करते हैं, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और देखिए मेरी बच्ची रोते रोते सो गई, किचन में मेरे पति सोए हैं, नहीं दिखाऊंगी। और इधर तो लाइट ही नहीं अच्छी आ रही है, सब लोग अपने अपने मस्ती में रमे हैं। और मैं सबको सुला देती हूँ, यानी कि सब लोग सो जाते हैं, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। जो कि ये आधा वीडियो बना तब तक जगी थी, बेचारी गिर गई, इसको चोट लग गया, तब जाके ये सो गई। देखो कैसे सोई है मेरी प्यारी सी क्यूटी सी बेबी। अभी मैं एक हाथ में नहीं लगाई और नहीं लगाऊंगी, लग रहा है क्या मैं हो गया ना, एक इतने से लग गया तो भी हो गया कि हाँ मेहंदी लगा है। क्या मेहंदी लगाना, क्योंकि बच्चे हैं पास में, बच्चे साथ में रहते हैं, तो उसको जब तक वो रहेंगे तब तक ऐसे से लीप देते हैं, मेहनत भी बेकार जाता है और मुझे लीपा पोता अच्छा नहीं लगता है मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और बाकी कमेंट आया कि आप गाँव जा रही हो कि नहीं जा रही हो, तो नहीं दोस्तों अभी गाँव नहीं जा रही हूँ। अभी बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे हैं योगी जी का योजना का पाठा करने के लिए, सेवा यानी कि लाभ उठाने के लिए। अभी हमारा कहाँ उसमें एंट्री होगा, हम गरीबों को कौन पूछने वाला है अभी, तो अभी देखा जाएगा। अभी हम भी सोर्स पानी इधर उधर लगाएंगे, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस वीडियो देख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग के लिए जानकारियाँ देती हूँ, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। हम गरीबों को कौन पूछेगा, कौन देखेगा, जब शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, आप लोग वो नहीं देख पाते हो, प्यार दुला नहीं देख दे पाते हो, तो बाकी वो क्या देंगे आप लोग, क्या बता। उसमें भी व्यूज का ही खेल है ना, व्यूज आएगा अच्छा खासा तभी होगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अच्छा अच्छा आएगा तब तो जाके हम उसमें नाम आएगा, चरण आएगा, हमारा एंट्री होगा। अभी तो हमसे पता ना लाख गुने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, उन लोग का हो जाए तब जाके कहीं। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताते रहना, हमें भी न्यूज देते रहना कि किसका किसका हुआ, किसका किसका नहीं हुआ, कौन कौन लाभ उठा रहा है, कौन कौन लाभ नहीं उठा रहा है, हमें भी जानकारियाँ होना ही चाहिए ना दोस्तों। हम कुछ अपने से जानकारियाँ लेते हैं यूट्यूब पे देख देख के, कुछ आप लोग के पास जानकारी रहे तो हमें बताइएगा, बताने की कष्ट करिएगा, क्या हम नहीं बताएंगे आप लोग, हम आपके माता बहन बहन भाभी सब कुछ नहीं लगते हैं, हमें भी अपना भाभी बहन बना लीजिए, हमारा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें भी आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं इस वीडियो में, वीडियो के द्वारा। और मैं इसमें अच्छा खासा बीट जा रहा था, थोड़ा बहुत जो मेरी समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ जा रहा है, लेकिन अब तो वो भी दो तीन दिन से रुक गया है। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट किया करो। और हमारा कुछ लुक ऐसा है, कैसी मैं लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अच्छी लगती हूँ कि बुरी लगती हूँ, मेरा डांस कैसा लगता है, मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ गलतियाँ हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, हिंद कहीं दूसरे वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से, उसके बाद ना बाय बाय, हम आज बाय बाय ना करें आप लोगों के, अच्छा कहा है क्योंकि आप लोग हमें तकलीफ देते हैं, हमारा वीडियो ना देखा, हम इतना प्यार से वीडियो बनाई ला, इतना पानी का बात जला देखा, गर्मी में पसीना पसीना भैया होगा, पंखा बंद पी लें, हमारे बच्ची सुतल नहीं तब वो पंखा बंद के गए काहे बजे, ये वीडियो ये शूट करे बदे ना, वीडियो बनावे बदे ना, तब वो लोग हम प्यार बुला ना दे, हमें प्यार दिला दोस्तों दे या करो। और सब लोग हमें जो बोलते हैं उन लोग का भी हमें जवाब देना है, क्योंकि हम आप लोग आगे बढ़ाओगे तब तो उन लोग को मैं जवाब दे पाऊँगी,
जो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। हाँ सच्ची में, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और क्यों नहीं बाय बाय करेंगे, बाय बाय करेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे आप लोगों के लिए। और जितनी माता बहनें हैं और अपने पतियों के लिए उपवास रखे हैं, मैं यही भगवान से विनती करूँगी कि भगवान उनके पतियों का उम्र और लंबी कर दे और वो लोग सदा सुहागा रहे, जब भी जिए सदा सुहागा रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, हर हर महादेव, जो कोई गलती दे क्षमा करना, बाय बाय।